अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट .tv। कोरोना आम लोगों के लिए भले ही मौत का साधन हो, लेकिन नौकरशाहों के लिए यह किसी फायदे के सौदे से कम नहीं है। आपदा के नाम पर खरीदारी करने का सिलसिला जिले खूब चल निकला है। मुजफ्फरनगर के जनप्रतिनिधि इस बंदरबाट पर सख्त हुए तो जिलाधिकारी सेल्वा कुमार जे ने आज तहसीलदार सदर पुष्कर राय चौधरी को प्राथमिक स्तर पर दोषी पाते निलंबित कर दिया, जबकि ADM प्रशासन अमित सिंह को अवकाश पर भेज दिया गया है। इस संपूर्ण घोटाले की जांच ADM वित्त को सौंपी गई है। सहारनपुर में खाद्यान्न से जुड़ा ऐसा ही मामला सामने आ चुका है, जबकि मेरठ प्रशासन पर भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यहां जनप्रतिनिधियों की चुप्पी भी लोगों को अखर रही है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा न रहे, ऐसी प्रदेश सरकार की मंशा रही है। इस मंशा के अनुसार ही तमाम अनियमितताएं बंदरबाट की जा रही है। आइए पहले बताते हैं जिला मुजफ्फरनगर के बारे में। दरअसल पिछले सप्ताह लखनऊ से नोडल अफसर RN यादव ने चरथावल में प्रवासी मजदूरों को रखने के लिए बनाए गए सेंटर का दौरा किया। यहाँ पता चला कि या तो यहाँ खाना आया ही नहीं या फिर आया भी तो बेहद निम्न स्तर का। इस रिपोर्ट पर जिलाधिकारी सेल्वा कुमार जे ने खाद्यान्न आपूर्ति करने वाली फर्म पर तत्काल छापा मारने के SDM खतौली इंद्रकांत द्विवेदी व खाद्य विभाग की टीम को निर्देश दिए। पता चला कि इस फर्म का फरवरी में ही पंजीकरण रद्द हो चुका था, वह नवीनीकरण नहीं कराया गया था, जिस पर फर्म अन्नपूर्णा को सील कर दिया गया है। इस मामले में केंद्रीय पशुधन राज्य मंत्री संजीव बालियान ने जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अफसरों की मीटिंग बुलाकर खाद्यान्न की पूरी रिपोर्ट मांगी। मंत्री ने पूछा कि जिले में जो 11,000 किट खरीदी गई वो किस फर्म से खरीदी गई, क्या टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई, भुगतान कैसे व कितना हुआ, किन्हें यह बांटा गया। इसके बाद सभी जनप्रतिनिधियों, प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, विधायक उमेश मलिक, विक्रम सिंह सैनी, विधायक पुरकाजी, प्रमोद ऊंटपाल आदि ने लिखित में सवाल करते हुए जवाब मांगे। जिलाधिकारी सेल्वा कुमार ने कहा कि इसकी संपूर्ण जानकारी ADM प्रशासन अमित सिंह के पास है। आज अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित सिंह की तरफ से जवाब दे दिया गया। जवाब में पाया गया कि प्रशासन ने बिना टेंडर के 50 लाख रुपए का सूखा राशन खरीदा है, ब्लैकलिस्टेड की गई, अन्नपूर्णा से भी खरीदारी की गई है। ADM ने अपने बचाव में दैवीय आपदा की भी बात कही है। हालांकि तहसील स्तर पर 1 लाख तक की खरीदारी ही बिना टेंडर किए की जा सकती है, ऐसा प्रावधान है। नोडल अधिकारी की रिपोर्ट पर तलब किए जाने पर जिलाधिकारी सेल्वा कुमार ने खरीदारी समिति के सदस्य तहसीलदार सदर पुष्कर नाथ चौधरी को सस्पेंड कर दिया। दूसरे सदस्य SDM सदर अशोक कुमार व अध्यक्ष ADM प्रशासन अमित सिंह को भी नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब मिलने के बाद DM ने शनिवार को SDM सदर अशोक कुमार को हटा दिया। उनके स्थान पर डिप्टी कलेक्टर दीपक कुमार को तहसील सदर का SDM बनाया गया। अशोक कुमार को मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।